सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जो मैंने आप सभी को होमवर्क में दिया था, और क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि द बेसिक प्रेमाइस क्या था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का इंक्रीज होता है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसीज के अंदर, या फिर इंक्रीज होता है सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, फ्लेक्सिबल एंड ओपन गवर्नमेंट है, या फ्लेक्सिबल एंड ओपन सिविल सोसाइटी है। सो यहाँ पर राइट आंसर, काफी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक दिया, बहुत मतलब करेक्ट आंसर था उन बच्चों का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, देखो एनपीएम जब हम बात करते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो आपका ओरिजिन हुआ था 1990s में हुआ, कब हुआ था? 1990s में, ठीक है, 1990s में आया ये। तो 1990s में जब आया तो इसके अंदर थ्री ईज पर जोर दिया गया, किस पर दिया गया? थ्री ईज पर, ठीक है। थ्री ईज इट मींस इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। और इसके अंदर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों का प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर इट मींस कि इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर जैसे मान लो कोई भी टेंडर होता है ना, गवर्नमेंट टेंडर होता है, और गवर्नमेंट टेंडर अगर आप देखो कोई भी प्राइवेट वाले किसी भी कंपनी को अगर दिया जाता है तो वो किस लिए दिया जाता है? ताकि वो मतलब कम पैसों में काम कर दे, एफिशिएंसी से काम कर दे, इफेक्टिवनेस से काम कर दे, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो बेसिक प्रेमाइस क्या है, फ्लेक्सिबल एंड ओपन गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एवोल्यूशन ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट ऑफ इन इंडिया। तो किस कमीशन ने गवर्नर की पोस्ट को हटाने के लिए रिकमेंड किया था, सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरकारिया कमीशन, है ना। सरकारिया कमीशन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन की, जिसके अंदर जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं बिकॉज ऑफ गवर्नर, क्योंकि गवर्नर को इलेक्ट किया जाता है, गवर्नर को जो चुना जाता है एक तरह से, तो वो कौन चुनते हैं? प्रेसिडेंट चुनते हैं, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर तो ये सरकारिया कमीशन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करना है फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बुक्स को करेक्ट सीक्वेंस में। तो यहां पर बुक्स दी हुई हैं, तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, इसका इसको सीक्वेंस में लगाना है। थोड़ा टाइम दूंगी मैं इसमें आप लोगों को, तो आप लोगों को आंसर करना है किसका राइट आंसर क्या होगा। बनानास, बीचेस एंड बेसिस। सेकंड बुक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। थर्ड बुक है सेकंड न्यूक्लियर एज। फोर्थ बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। ए फुकोयामा, इन लॉ हंटिंगटन ग्रे, इन लॉ फुकोयामा हंटिंगटन ग्रे, इन लॉ फुकोयामा ग्रे हंटिंगटन ग्रे, इन लॉ फुकोयामा या हंटिंगटन। तो आप देखो राइट आंसर इसका क्या होगा, वेरी गुड, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखो बनानास, बीचेस एंड बेसिस किसका है? इन लॉ का है, ठीक है। मैं फर्स्ट वर्ड लिख रही हूँ। एंड ऑफ हिस्ट्री किसका हो जाएगा? फुकोयामा का, है ना, एंड ऑफ हिस्ट्री। और एज ऑफ न्यूक्लियर एज किसका है? ये हो जाएगा आपका ग्रे का। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर ये किसका है? ये है हंटिंगटन का। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर सिक्स एंड हाफ ऑफ यूएन चार्टर अनऑफिशियली रिफर्स टू। तो चैप्टर सिक्स एंड हाफ जो यूएन चार्टर है उसको अनऑफिशियली रिफर किया जाता है, चार्टर रिवीजन, आर्म्स कंट्रोल, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या पीस कीपिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का पीस कीपिंग। पीस कीपिंग इज अ करेक्ट आंसर। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आर, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, या ऑल ऑफ द अबव। जो वेपन्स होते हैं मास डिस्ट्रक्शन के, उनको न्यूक्लियर वेपन कह सकते हैं, केमिकल वेपन कह सकते हैं, या फिर आपका बायोलॉजिकल वेपन। आप सबका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। हम जो वेपन्स होते हैं मास डिस्ट्रक्शन के, उनको न्यूक्लियर वेपन, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सभी कहा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन कहता है कि कन्वेंशनल विजडम इज दैट द मोर न्यूक्लियर स्टेट देयर आर, मोर लाइकली इज द न्यूक्लियर वॉर विल ब्रेक आउट। केनेथ वॉल्स हाउएवर हैज आर्ग्यूड टू द कॉन्ट्ररी। तो कन्वेंशनल विजडम जो होती है एक तरह से, इसमें जो कंट्रीज होती हैं न्यूक्लियर स्टेट होते हैं, मोर लाइकली इज दैट न्यूक्लियर वॉर विल ब्रेक आउट, है ना यहाँ पर। और केनेथ वॉल्स यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कॉन्ट्ररी। वॉल्स बिलीव करते हैं कि स्टेट इन न्यूक्लियर सिचुएशन बिगेन टू एक्ट मच मोर कॉजली,
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर बिल्कुल साफ है, देखो यहाँ पर कन्वेंशनल विजडम इज दैट मोर न्यूक्लियर स्टेट जो होते हैं मोर लाइकली इज दैट द न्यूक्लियर वॉर विल ब्रेक आउट. कैनेथ वॉल्स क्या आर्ग्यू करते हैं? कॉन्ट्रेरी, बिकॉज वो बिलीव करते हैं कि स्टेट इन अ न्यूक्लियर सिचुएशन बिगेन टू एक्ट मच मोर कॉजली. सो राइट आंसर इज बोथ ही आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूड ट्रीटीज एंड कस्टम जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाय सिविलाइज्ड नेशन लीगल स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग पास जुडिशियल डिसीजन. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका? सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रीटीज एंड कस्टम आते हैं, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स आते हैं, कुछ लीगल स्कॉलरशिप आती हैं, कुछ जो जुडिशियल पास डिसीजंस. तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा. जो सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ में, इसमें देखो लीगल स्कॉलरशिप पास जुडिशियल डिसीजन उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स आते हैं लॉ के जिनको सिविलाइज नेशन क्या करते हैं रिकॉग्नाइज करते हैं, ट्रीटीज एंड कस्टम आते हैं. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2+2 डायलॉग जो था बिटवीन एंड यूएसए ये इन्वॉल्व करता है मीटिंग किसके बीच में? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, चीफ ऑफ टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया एंड यूएसए, इंडियन मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर डिफेंस, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड डिफेंस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ कंट्री ऑन द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो 2+2 डायलॉग अगर आप देखोगे राइट आंसर इसका सी हो जाएगा. इसके अंदर इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर एंड डिफेंस एंड यूएस सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट एंड डिफेंस आए थे. तो ध्यान रखना 99 क्वेश्चन है आपका कि कौन सा इंजॉय नहीं करता ऑब्जर्वर स्टेटस सार्क में. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक है. तो इसमें कौन नहीं आता, कौन ऑब्जर्वर स्टेट नहीं है? सो यहाँ पर राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, रशिया. रशिया इज नॉट अ ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है, सार्क का ऑब्जर्वर नहीं है. लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जॉनसन अर्दग एंड मैक्रोनी मैकडोनाल्ड लाइन्स रिफर टू पोर्शन ऑफ बाउंड्री लाइन्स बिटवीन. तो जॉनसन अर्दग एंड मार्केटनी मैकडोनाल्ड लाइन्स रिफर टू द पोर्शन ऑफ बाउंड्री लाइन्स बिटवीन. तो ये किसके बीच में लाइन आ जाएगी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया एंड चाइना, ठीक है. राइट आंसर क्या होगा? इंडिया एंड चाइना. तो ये ध्यान रखिएगा. थैंक यू सो मच. अगर आप लोगों को ये जो मैंने सीरीज आप लोगों के लिए कराई है ये अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे बताना. और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सीरीज़ मैं आगे भी लेकर आऊँ और तो मुझे कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे ज़रूर बता देना कि इस तरीके की सीरीज़ अभी आगे लानी है या नहीं, ठीक है. इसके अलावा देखिए, अगर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये यूपीएससी जो एग्ज़ाम है परीक्षा है, तो ये अभी मेरा कल से कोर्स स्टार्ट हुआ है 4 तारीख से, ठीक है. तो अनअकैडमी ऑफर कर रहा है 3 मंथ का कोर्स. तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं. प्रैक्टिस अंटिल यू मास्टर इट, यानी वीकली फुल मॉक टेस्ट है सब्सक्रिप्शन वालों के लिए. और मास्टर जो नेट है यूनिट बेस्ड टेस्ट है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे किसके लिए? फ्री वालों के लिए. 7 PM होगा तो आप लोग जा सकते हो. मेगा ऑफर चल रहा है अभी NTUGC नेट पर. 6 मंथ 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन लेने पर आप लोगों को मिलेगा 2 महीने का एब्सोल्यूटली फ्री सब्सक्रिप्शन. ये वैलिड है अगस्त तक, 11 अगस्त तक वैलिड है. यूज करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट. थैंक यू सो मच. अगर ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करके जाइएगा. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय टू ऑल. बाय बाय.